इत्तेफाक की बात है ना गीत, कि आज हम यहां मिल रहे हैं जहां मैं जिंदगी में की गई हर गलती की निशानियां रखता हूं। पता है क्यों मैं इस कमरे में क्यों आता हूं? ताकि मैं अपने आप को याद दिला सकूं कि मैं ऐसी गलती कभी दोबारा ना करूं। और आज मैं यहां अपनी एक और गलती छोड़ने आया जिसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा, ताकि मैं फिर कभी ऐसे मासूम चेहरे पर विश्वास ना कर सकूं, ताकि मैं फिर कभी ऐसी भोली आंखों को समझने की गलती ना करूं, ताकि मैं फिर कभी किसी और की गलती को बचाने की कोशिश ना करूं। कौन किसे बचा रहा, कौन जानता है सब? पर शायद हमारा अलग होना ही, हमारा तुम्हारे और मेरे बीच में हम कभी था ही नहीं गीत, कभी था ही नहीं गीत, कभी था ही नहीं गीत, कभी था ही नहीं गीत। अच्छा हुआ गीत तुम यहां मिल गए, मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि आज तुम्हारा काम खत्म हो गया। आज रात को मैं परी को दादी से मिलाने जा रहा हूं। आज से तुम आजाद हो, तुम अपनी ये नौकरी छोड़ के जा सकती हो। और कुछ कहना है तुम्हें? कहने के लिए राय क्या है सो? सब कुछ तो आपने कह दिया। तुम्हारे और मेरे बीच में हम कभी था ही नहीं गीत, 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 कभी था ही नहीं गीत। आपका हम सफर आपकी जिंदगी में आज ही आने वाला है। ये लो ताबी, इसे उसे पहना देना, फिर देखना बाबा जी की मेहर आप दोनों पर हमेशा रहेगी। ऐसा हो सकता बाबा जी उस दिन मानसर के बारे में? मुझे
हमेशा भी मैं सोचता हूँ कि जिंदगी में तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, और तभी तुम मेरे रास्ते में आके खड़ी हो जाती हो। तुम अपनी अदाओं से मुझे फंसाना चाहती थी ना, इसलिए तुम होशियारपुर से दिल्ली तक मेरा पीछा करती रही। अगर मैं लड़कियों को रिजेक्ट कर रहा हूं ना, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मौला तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, अब मान की फीलिंग्स क्या है पता लगाना। ये क्रॉस कनेक्शन है या वन साइडेड है? टाइम फॉर स्टेप टू। नहीं, कौन है तुम यहाँ? एक्सक्यूज मी, ये मेरा घर है, आप कौन है? देव, परी। परी? परी, मान्स बिगेस्ट फैन। हेलो, मान ने आपको परी के बारे में नहीं बताया? मैं तो वही हूँ। आप वही हैं जिसको ब्रो दादी माँ से मिलवाने वाले हैं? या राइट, दादी माँ। वाओ, ब्रो की चॉइस काफी चेंज हो चुकी है। आई मीन यू आर आई एम कूल ना? वैसे तुम भी इतने अनकूल नहीं हो, पर मेरे मिस्टर ड्रीम में जितने हॉट नहीं। मान कहाँ है? ब्रो ओ ब्रो तुम क्या? ब्रो, मुझे पता नहीं था कि आपको ऐसी लड़की पसंद है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप जहाँ परी वहाँ। परी को वैसे आपसे बात करनी है, सीक्रेट है। सो इफ यू डोंट माइंड मिस्टर जूनियर ड्रीमी, पर्सनल। ब्रो मैं आपसे मिलता हूँ, आपसे तो मुलाकात होती रहेगी। बाय बाय दीप। तुम यहाँ क्या बात करने आई हो? बात नहीं करनी है, एक्चुअली सवाल पूछना है। सवाल? या आपकी पर्सनालिटी को एनालाइज करना है, जानना है कि आप रोमांटिक है या नहीं। ओके ठीक है, मैं आपको ना कुछ वर्ड्स बोलूंगी, वो वर्ड्स सुनते हैं आपके मन में जो भी ख्याल आता है आप मुझे बताएंगे बिना सोचे समझे। इस बकवास सवाल के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, समझे तुम? डर गए ना? कम ऑन, सिंपल क्वेश्चंस, सिंपल आंसर्स, जल्दी से सेव टाइम। पूछो। ओके, जल्दी जल्दी आंसर्स। ओके, फर्स्ट वर्ड है रोज। ये फूल तुम लाई हो? जी। अब एक काम करो, ये सारे फ्लावर्स डस्टबिन में फेंक दो इसी वक्त। सेकंड वर्ड है कैंडल एंड डिनर। थर्ड है पहला डांस। फोर्थ वर्ड है बारिश की रात। स्टॉप इट बड़ी, ये कैसे सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो? गीत ने कहा ना तुम्हें ये सब करने के लिए? मेरी बात सुनो परी, अगर गीत ने तुम्हें मेरे और उसके बारे में कुछ कहा है तो वो सब गलत है, क्योंकि मैं उसके लिए कुछ महसूस नहीं करता हूं। मैंने तो गीत का नाम भी नहीं लिया और ना ही मैंने आपसे ये पूछा कि आप गीत के लिए कुछ फील करते हैं भी या नहीं। मैंने तो सिर्फ कुछ वर्ड्स बोले थे और आप ही ने उन वर्ड्स को गीत के साथ जोड़ दिया। परी, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम यहां पर एक जॉब पर आई हो और तुम्हारा जॉब यह है
कि आज रात को दादी माँ के सामने तुम मेरी मंगेतर बनकर जाओगी। अपना काम करो और जाओ यहां से। जाऊंगी तो मैं जरूर मान, पर अपना काम करके। आपके गुस्से से ये तो कंफर्म हो गया कि गीत और आपके हाथ का फुल कनेक्शन है। रॉस कनेक्शन तो परी का हुआ था, लाइन कट करने का टाइम आ गया। आज रात को मैं परी को दादी से मिलाने जा रहा हूं। आज से तुम आजाद हो। गीत, हेल्प प्लीज। आज मुझे दादी को मिलना है और टीवी सीरियल की गुड बहू की तरह मुझे ये 9 इयर्स लपेटने हैं। परी, तुम्हें साड़ी पहनने की क्या जरूरत है? दादी मैं तुम्हें ऐसे ही पसंद कर लेगी। गीत, यू डोंट अंडरस्टैंड। देखो, परी का दिल तो मान के लिए बीट करता है और मान का दिल तो दादी के लिए सोचता है ना, तो इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं दादी को फर्स्ट टाइम में फुल इंप्रेस कर दूं। तो आज ग्रैंड फिनाले है, फिल्म का आखिरी सीन। आज सबका मकसद पूरा हो जाएगा, तुम्हें मानसर मिल जाएंगे, मानसर को उनकी मंगेतर, और मैं नई नौकरी ढूंढना शुरू करूंगा। Thank God, मैंने पहले से सब कुछ प्लान कर लिया था, वरना सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता। उल्टा पुल्टा? ऐसा क्या प्लान किया तुमने? वो मैं सारी सारी गीत। अच्छा, मैंने प्लान कर लिया कि मैं तुमसे आधी साड़ी बांधना सीख लूंगी। वेरी गुड, 9 yards, आई डोंट अंडरस्टैंड। इसे ना इसे बांधो। स्टॉप, ऐसे तो परी कंफ्यूज हो जाएगी ना। तुम एक काम करो, तुम ये पूरा चेंज करके ना मुझे अच्छे से पहन के दिखाओ, तो मैं समझ जाऊंगी। पर फिर तुम सीखोगी कैसे? कम ऑन गीत, तुम जल्दी से चेंज करो ना। ओके, मैं अभी आती हूँ। परी, तुम बहुत अच्छी। Love you. Always ready to help. Man. Yes. I love you. I love you. हाँ, I love you. I love you. I love you. तो आखिर गीत को आई लव यू कह ही दिया मान ने। परी जानती है क्या परी से प्यार नहीं करते, पर मैंने सोचा मैं अपने दिल की बात मिस्टर ड्रीमी आपको बता दो। सुनो, यही तो प्रॉब्लम है, सब आपकी बात सुनते हैं, आपको कोई नहीं सुना पाता। देखो, देखेंगे तो आप नहीं मुझे, क्योंकि परी वापस जा रही है। क्या मेरी? हाँ। पर जाने से पहले परी आपके लिए एक गिफ्ट छोड़ के जा रही, आपके पीछे वाले वरांडा में। लव यू मिस्टर ड्रीमी, बाय बाय। मेरी बात, उसे रोकना होगा। बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, किसी खास इंसान से मिलकर आ रहे हैं क्या? अब मैं तुम्हें समझा समझा के थक चुका हूं कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, और जहां तक बात रही किसी को मिलने की, मैं परी को मिलके आ रहा हूं। परी, ब्रो की होने वाली वाइफ। ब्रो की छुपे रुस्तम निकले, चुपचाप अपने लिए लड़की भी पसंद कर ली और बताया भी नहीं। तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात? पहले तो बस मान सिंह खुराना का हुक्म मानना पड़ता था हम सबको, लेकिन अब
अब उनकी बीवी को भी खुश करना पड़ेगा। पहले बस आपके ब्रो होते थे जिनकी बात हमेशा माननी पड़ती थी, लेकिन अब एक नई मालकिन आ गई है जी हजूरी करने के लिए। तुम हर चीज का उल्टा मीनिंग क्यों निकालती हो? मुझे लगता है कि तुम खुश रहना ही नहीं चाहती हो। इतनी नेगेटिविटी। नेगेटिविटी? मान सिंह खुराना के सामने आपकी क्या औकात है ना, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सच हमेशा कड़वा होता है। कितनी बार हमने आपसे कहा है ऑफिस जाकर काम थोड़ा सा संभाल लीजिए, लेकिन नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऑफिस जाना मैंने अपनी मर्जी से बंद नहीं किया था, तुमने मुझसे कहा था कि ऑफिस मत जाओ। नयनतारा, मुझे लगता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए ये तुम्हें पता ही नहीं है। तो इतना इंतजार भी नहीं कर सके कि दादी को मिलाने के बाद इजहारे मोहब्बत कर ले? अरे इतनी जल्दी से कह दिया आई लव यू? दादी ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मान बेटा, जरूरत से ज्यादा क्लैरिफिकेशन इश्क की पहली निशानी होती है। दादी प्लीज, आपने दवाई ली? मान बेटा, आज जो खुशी आप हमें देने वाले हैं ना, इसके बाद हमें किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुशी ही हमारे हर मर्ज की दवा है। परी? ये परी कहाँ रह गई? भाई ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे पता है इस वक्त तो मुझे ढूंढ रही होगी और ये लेटर देख के थोड़ी हैरान भी हो रही होगी। वो मैगजीन्स, वो मेडल जो मुझे मां ने दिया था, वो अपना सारा प्यार मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, क्योंकि आज मुझे समझ आ गया है कि मान मेरे हीरो हैं, मेरे रॉक स्टार। पर कोई फैन अपने हीरो से शादी थोड़े ना करता है। वो किसी और का राइट है और परी दूसरे का राइट छीनने में बिलीव नहीं करती, इसलिए मैं जा रही हूँ अब। नो नो, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ और कभी नहीं भूलूंगी वो एहसास जो मैंने तुम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए देखा है, जिसे कहते हैं ना ट्रू लव। तो ऐसे दो प्यार करने वालों के बीच पागल परी का क्या काम? मैंने अपना काम कर दिया है, अब जल्दी से तुम भी अपना काम कर लो, बता दो अपने प्यार के बारे में। ऐसे सेटिंग तो मैंने कर दी है, कैंडल्स है, फ्लावर्स है, अब रेन कंट्रोल में नहीं है, पर प्यार है तो शायद भगवान मेहरबान हो जाए। और एक दूसरे को बोलने के बाद डांस तुम करोगे ही, तब बोल दो ना गीत, तब बोल दो ना गीत, तब बोल दो ना गीत, तब बोल दो ना गीत।